तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे टीच लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर। आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसी पर बेस्ट एक्सरसाइज 1.6 है ना। आप प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेट A इज ग्रेटर देन जीरो, A कोई नंबर है जो विच इज ग्रेटर देन जीरो, बी ए रियल नंबर, ए रियल नंबर एंड पी एंड क्यू आर टू रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट में P एंड Q आर रैशनल नंबर अगर हो, P और Q क्या है, रैशनल नंबर है P एंड Q, तो अगर A टू दी पावर P हो और इनटू B टू दी पावर Q हो या ए टू दी पावर क्यू हो, यानी दोनों का बेस सेम है और ए इज ए रियल नंबर, ए क्या है रियल नंबर है और उस पर जो पावर है वो रेशनल नंबर है, तो अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस होता है, यानी ए टू दी पावर पी प्लस क्यू, ए टू दी पावर पी प्लस क्यू, ये एक प्रॉपर्टी हुआ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए टू दी पावर पी और यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड अगर है ए टू दी पावर क्यू, हाँ बोलो, हाँ रियल नंबर ए बी, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए, बट पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर, उसके लिए प्रॉपर्टी है। रियल नंबर में दोनों रैशनल या इरेशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे रूट अंडर टू भी आ गया, रूट अंडर थ्री भी आ गया, वो रियल नंबर में आ जाएगा, टू भी थ्री भी वो रियल नंबर में होगा, बट रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर है। तो यहां पर अगर प्रोडक्ट है तो प्लस होगा पावर, अगर डिवाइड है ए टू द पावर पी डिवाइड ए टू द पावर क्यू, तो ए टू द पावर या इक्वल टू ए टू द पावर पी माइनस क्यू हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट में प्लस, डिवाइड में माइनस, ये भी एक प्रॉपर्टी हुआ। थर्ड, अच्छा ए टू द पावर पी यू अप टू द पावर क्यू, यानी दो दो पावर है, पी भी है और क्यू भी है, तो पावर पावर क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए टू द पावर पी और क्यू हो जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। थर्ड, फोर्थ में अगर ए टू द पावर पी और बी टू द पावर पी दोनों पर, अब देखिए बेस दोनों डिफरेंट हो गया, दो रियल नंबर आ गया, लेकिन दोनों पर पावर सेम है, दोनों पर पावर सेम हो, यानी आप लिख सकते हो ए इंटू बी टू द पावर पी, यानी दोनों पी को हम एक पर ले आए, ठीक है। और एक है फाइव में, ए टू द पावर जीरो इक्वल टू वन, कोई भी नंबर हो उस पर पावर अगर जीरो कर देते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। ये फाइव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर,
ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। आइस प्रॉपर्टी को आप पहले से भी आप जान चुके हो, पहले भी जानते थे, उसी को एक ढंग से रिवीजन कर लिए, ठीक है। अब इसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, इसी पर बेस जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 में फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है। अब बोलिए दिखाई दे रहा है 64 टू द पावर 1/2। तो हम जानते हैं 64 टू द पावर 6 होगा, लेकिन हम 6 क्यों करेंगे, यहां पावर 2 के फॉर्म में है, पावर 1/2 है। तो देखो 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर, 8 8 या 64। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 8 टू द पावर 2 और 2 द पावर हाफ, तो 2 पावर आ गया, यानी पावर और पावर दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 8 टू द पावर 2 प्रोडक्ट 1/2, 2 प्रोडक्ट 1/2, यानी 2 और 2 कैंसिल, 8 टू द पावर क्या बच गया, 1, वन इज कल्टो 8। बोलिए अभी क्लियर नहीं है बोर्ड पर लिखा हुआ, अच्छा सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 32 टू द पावर 1/5। तो आप 32 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, पहले 32 का अगर प्राइम फैक्टराइज किए तो 2 टू द पावर 5। चलिए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं जानता है तो इस ढंग से प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, 32 को पहले 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो 32 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन जो ऑलरेडी जान रहा है स्टूडेंट वो डायरेक्ट 1 2 3 4 5, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो जो जान रहा है उसको ये रफ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट लिख सकता है 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 और 2 द पावर 1/5। अब पावर पावर क्या होगा, पावर और पावर दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी 5 इंटू 1/5, 5 और 5 कैंसिल इक्वल टू 2 आएगा आंसर। आप ठीक बता रहे थे कि आंसर सर 2 आएगा, जो कि देखो 2 ही आया। आसान क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 125 और 2 द पावर 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 125, तो 125 5 टू द पावर 3, और 2 द पावर 1/3, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान था ना, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग अभी तक नहीं मिला था।
चलिए और नेक्स्ट नंबर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में भी है, इवेल्युएट करना, फाइंड करना है। फाइंड 9th one में 9 to the power 3/2 क्या है क्वेश्चन? 9 to the power 3/2 इसको इवेल्युएट करना नहीं, फाइंड करना है। वी नो दैट 9 = 3 × 3 तो 9 को लिख सकते हैं 3 to the power 2 और 2 to the power 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर और पावर दोनों क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पहले बाद में कैसे करेंगे, पहले हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 3 to the power 2 × 3/2 यहाँ पर क्या बच गया? 3 to the power 3 बच गया और 3 to the power 3 3 to the power 3 का मतलब 3 कितने टाइम्स है प्रोडक्ट? तो क्या होगा उसका प्रोडक्ट? 27 होगा। 27 पहले 3 × 3 करेंगे 9 और फिर 9 × 3 = 27 9 × 3 = 27 ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 32 to the power 2/5 अब 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स होगा? 2 to the power 5 तो आप 32 को लिख सकते हो 2 to the power 5 और इस पर power 2/5 और पावर पावर प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2 to the power 5 प्रोडक्ट 2/5 5 और 5 कैंसिल, क्या रिमेनिंग बचा? 2 to the power 2 आया। 2 to the power 2 = 4 आ जाएगा आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में 16 to the power 3/4 2 to the power 4 होगा 2 to the power 4 और इस पर power 3/4 तो पावर पावर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट होगा। हाँ तो 3 to the power 4 × 3/4 4 कैंसिल, सॉरी यार 3 नहीं था यार क्या था? 2 था ना? हाँ गलती लिख दिया 3 अभी आ गया 2 to the power 3 यानी 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट है यानी 2 × 2 × 2 = 8 आ गया आंसर। तो आपका इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं 3 में। तो यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? ओके
देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन, टू टू दी पावर टू बाय थ्री और इनटू टू टू दी पावर वन बाय फाइव। तो अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे, ए टू दी पावर पी इनटू, ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, क्या है ये मल्टीप्लाई है, और टू टू दी पावर वन बाय फाइव, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो तो पावर क्या होगा प्लस, तो आप क्या करोगे टू टू दी पावर टू बाय थ्री और प्लस वन बाय फाइव, यानी दो टू से यहां पर एक टू हो गया और दोनों का पावर प्लस के फॉर्म में लिखो। अब दो फ्रैक्शन का सम करना है जिसका प्रॉपर्टी क्या है एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए टू टू दी पावर अब थ्री और फाइव का एलसीएम 15 होगा, हाँ, और 15 को डिवाइड करेंगे थ्री से फाइव और फाइव इंटू टू 10 प्लस और 15 को डिवाइड करेंगे फाइव से थ्री और थ्री इंटू वन टू टू दी पावर 13/15। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकता है, यहीं पर इसको हम छोड़ दें। ओके नंबर टू, वन बाय थ्री टू दी पावर थ्री और टू दी पावर सेवन, यानी ये जो पावर सेवन है ये वन पर भी पावर सेवन है और थ्री टू दी पावर थ्री पर भी पावर सेवन है, ये सेवन दोनों पर है लेकिन यहां पर वन पर पावर कुछ नहीं है और थ्री पर पावर थ्री है, ठीक है। तो अगर ये सेवन ऐसे कर दो, वन टू दी पावर सेवन डिवाइडेड बाय थ्री टू दी पावर थ्री अपर पावर सेवन, क्या किए सेवन डिनोमिनेटर पर भी पावर कर दिए और सेवन डिनोमिनेटर में भी पावर कर दिए, पहला स्टेप, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और वन पर कितनों भी पावर करोगे उसका वैल्यू क्या होगा, चलो इसका वैल्यू हम वन कर दिए, वन होगा और इस नंबर पर पावर थ्री टू दी पावर सेवन, तो पावर पावर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी थ्री इंटू सेवन, यानी वन डिवाइडेड बाय थ्री टू दी पावर। अब देखो कोई बैठ करके एग्जाम में थ्री टू दी थ्री पर पावर 21 का मीनिंग है थ्री कितने टाइम्स प्रोडक्ट है, जो कि प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट बैठ करके प्रोडक्ट करने लगता है, वो काम नहीं करना है हमको, इसी फॉर्म में छोड़ देना है, हमको इसी फॉर्म में यहाँ पर छोड़ देना है, उसको ज्यादा हमको अथी नहीं कर देना है कि प्रोडक्ट करते रहे आधा घंटा समय बीत जाएगा और नंबर तो उतना ही मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में छूट जाएगा। इसको प्रोडक्ट हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी फॉर्म में छोड़ देना है, अगर ज्यादा पावर है, अगर रहता थ्री टू दी पावर टू रहता थ्री रहता तब कर देते, लेकिन अगर मैक्सिमम फाइव से ज्यादा हो गया तो छोड़ देंगे। नंबर थ्री, इलेवन टू दी पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय इलेवन टू दी पावर वन बाय फोर। अब यहां डिवाइड है, इस डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 11 टू दी पावर 1 बाय 2 डिवाइड 11 टू दी पावर 1 बाय 4,
या तो ऐसे रहे या क्वेश्चन ऐसे रहे, बात तो एक ही हुआ। तो अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी 11 टू दी पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4। इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लेके बाद माइनस करेंगे तो 11 टू दी पावर 1 बाय 4 बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और क्या है बताओ। और इलेवन टू द पावर